अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज यू नो, फाइनल टर्म पेपर्स ऑफ स्प्रिंग 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टूडेज़ गाइडलाइंस स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं, मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विजेज करने हैं। लेटेस्ट क्विजेज के बारे में बताया था कि मींस अगर आपके 4 क्विजेज हैं तो लास्ट 2 क्विजेज आई थिंक आपके फाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19-45 है, बाकी के 22-45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विजेज हैं, सेकेंड क्विज हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज कहलाएगा। अब सपोज करो 4 क्विजेज होते हैं, क्विज 1, क्विज 2, 3 एंड 4, तो क्विज 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विजेज करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विजेज, पास्ट पेपर के भी क्विजेज ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विजेज देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ी आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाले CS605 का पेपर जो कि सेट नंबर 1 है, और भी पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जैसे जैसे स्टूडेंट शेयर करते जाएंगे। सो लेट्स सी, करंट फाइनल टर्म पेपर स्प्रिंग है हमारे पास। ओके जी, 21 अगस्त का है और एमसीक्यूज फ्रॉम जुनेद एंड वकार फाइल से थे। ओनली अ फ्यू एमसीक्यूज वर न्यू, स्टेज्ड एंड कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन थी। सीएमएम लेवल, किस लेवल पर क्या होता है, एमसीक्यूज थे, 3 आए थे। सीएमएम लेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और मोस्टली एमसीक्यूज में भी आते हैं, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू डिफेक्ट्स, एरो ट्रैकिंग, मिसलेनियस एरो इंडेक्स। इसमें से बताना था व्हाट डज एक्स स्टैंड्स फॉर इन रिलीज नंबरिंग, रिलीज़ है आई थिंक, आप देख लीजिएगा, आपने पढ़ा है आपको पता होगा किस टॉपिक के अकॉर्डिंग है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर सेफ्टी, व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन व्हेन क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट मॉडल, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड स्टेज्ड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, स्टेज्ड रिप्रेजेंटेशन और कंटिन्यूस ऊपर भी शॉर्ट में बताया हुआ था, डिफरेंस बिटवीन कैजुअल एंड द स्ट्रक्चरल रिगर, राइट नेम्स ऑफ CMM रिप्रेजेंटेशन, वो CMM लेवल्स और रिप्रेजेंटेशंस की बात हो रही है। ए सॉफ्टवेयर version is 1.00, if you would update it after 1 year with additional features, what new version would you suggest, provide reason bhi batao. Phir tha calculate availability, MTTF or MTTR given tha, availability aapne isme calculate karni thi, formulas given honge, give proper formula for MTBF dena tha, aur does reverse engineering, does abstraction, ye thoda sa yaad hai, एग्री और जस्टिफाई, अगर एग्री हो तो जस्टिफाई करो, ठीक है। तो जैसे और पेपर्स आएंगे मैं आप लोग इससे शेयर कर दूंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।